नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों में दोनों पार्टियां लग गई हैं और दोनों पार्टियों ने दो दो लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 124 उम्मीदवारों के टिकट जारी किए हैं तो वही कांग्रेस ने 76 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है। अगर इन दोनों पार्टियों के टिकट पर नजर डाले तो दोनों पार्टियों के अब तक जारी हुए टिकटों में सोशल इंजीनियरिंग साफ तौर पर दिखती है। दोनों पार्टियों ने अपनी सूचियों में लगभग हर बड़े समुदाय को टिकट देकर साधने की कोशिश की है, लेकिन अपने अपने झुकाव के अनुसार टिकट बांटे गए हैं। अगर बात करें किस जाति को अब तक दोनों पार्टियों की सूची में कितनी जगह मिली है या साथ ही ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां जातिगत आधार को दरकिनार कर टिकट बांटे गए हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लिस्ट में जाट समुदाय को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। राजस्थान में जातिगत बहुलता और प्रभाव को देखते हुए जाट समुदाय से अब तक बीजेपी 21 तो कांग्रेस 15 टिकट जारी कर चुके हैं। अब तक बीजेपी ने लगभग 17% और कांग्रेस ने 20% से ज्यादा टिकट जाट समुदाय के नेता को दिए हैं। हो सकता है कि आने वाली सूचियों में भी जाट समुदाय हावी रहे। पार्टियों का जाट समुदाय पर भरोसा इसलिए है क्योंकि हर चुनाव में लगभग 35 के करीब विधायक जाट समुदाय से ही चुनकर आते हैं। बीजेपी ने ब्राह्मण और वैश्य उम्मीदवारों को अब तक लगभग 20 टिकट जारी किए हैं, यानी अब तक जारी हुए उम्मीदवारों की सूची में 16% से ज्यादा टिकट बीजेपी ने ब्राह्मण और वैश्य समुदाय को दे दिए। वहीं अगर बात कांग्रेस की जाए तो पार्टी ने ब्राह्मण और वैश्य समुदाय को अब तक 11 टिकट दे दिए हैं, लगभग 15% टिकट इसी समुदाय को जाते हैं। वहीं राजपूत समाज की बात की जाए तो अब तक बीजेपी से लगभग 10% टिकट राजपूत समुदाय को मिली है। कांग्रेस ने ये रेशो सिर्फ 5% तक का रखा है। हो सकता है ये आगे बढ़ भी जाए। आपको बता दें, कांग्रेस के लगभग 125 टिकट घोषित होना बाकी है। ऐसे में आने वाली सूचियों में ये नाम बढ़ सकते हैं। बीजेपी की लिस्ट में अब तक कोई मुस्लिम नाम नजर नहीं आया है। वहीं कांग्रेस ने जहां 6 मुस्लिम चेहरों को उम्मीदवार बनाया है, दूसरी ओर बीजेपी की ओर से अब तक 2 सिंधी उम्मीदवारों को टिकट दिया जा चुका है, जबकि कांग्रेस की ओर से अब तक किसी सिंधी उम्मीदवार को नहीं उतारा गया है। बीजेपी से 5 और कांग्रेस से अब तक 4 गुर्जर उम्मीदवारों को टिकट दिया जा चुका है। दलित और आदिवासी सीटों को छोड़ दिया जाए तो 6 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों ही पार्टियों ने जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं 3 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण उम्मीदवार दोनों पार्टियों से दावेदारी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार सीटों पर टिकट देने का बड़ा आधार जाति होता है। क्षेत्र के जातिगत समीकरण को देखते हुए ही पार्टियां टिकट देती हैं, मगर कई बार किसी एक परिवार का प्रभाव और ध्रुवीकरण भी अहम फैक्टर निभाता है। कई बार संबंधित नेता का जातिगत आधार नहीं होने के बावजूद क्षेत्र में परिवार के प्रभाव के कारण टिकट मिलता है। उसी आधार पर नेता चुनाव जीतते भी हैं। वहीं ध्रुवीकरण को ध्यान में रखते हुए भी टिकट दिए जाते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।